शकील आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर अभी तक की क्या कुछ अपडेट मिल रही है। देखिए शर्मा, मैं आपको बता दूं कि ये जो है आगरा में आईटी की सबसे बड़ी रेड हो सकती है, क्योंकि आईटी विभाग की छापेमारी में ऐसे खुलासे हुए हैं जिसके बाद पूरे देश के अंदर चर्चाओं का बाजार गर्म होने की पूरी आशंका जताई जा रही है। क्योंकि आगरा में जिस तरह से फुटवियर कारोबारियों के यहाँ छापेमारी हुई है, 3 कारोबारियों के यहाँ आईटी की रेड पड़ी, इन रेड के अंदर भारी मात्रा में कैश तो बरामद हुआ है बल्कि पर्ची भी बरामद हुई है जो करोड़ों रुपए की पर्ची बताई जा रही है। मैं आपको बता दूं कि ये सुनने में बेहद अजीब लगेगा, लेकिन आगरा में कह सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा जूता कारोबार किया जाता है, और ये जूते का कारोबार कैश लेन देन या कह सकते हैं कि उसके ट्रांजेक्शन के अलावा जो पर्चियों के माध्यम से किया जाता था, यहाँ पर जो पर्चियां मिली हैं, पर्चियां ये 3 महीने 6 महीने की वैलिडिटी के साथ जो है यहाँ चलती हैं, मार्केट के अंदर घूमती हैं। एक व्यापारी को दूसरे व्यापारी से अगर लेन देन होता है तो वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बजाय कह सकते हैं कि जो है कैश में लेन देन करने जो है ज्यादा मुनासिब समझते हैं। और सबसे ज्यादा जो मुफीद होता है इनके लिए वो होता है पर्चियों के द्वारा कारोबार करना। आपको बताते हैं कि एक सादा कागज पर एक जूता व्यापारी लिखता है कि ये पर्ची 3 करोड़ रुपए की है और इसकी म्याद 3 महीने तक की है, तो वही पर्ची जो सादा कागज है वो सरकारी कागज मान लिया जाता है और उसी पर्ची के माध्यम से पूरे जूता मंडी के अंदर कारोबार चलता है। तो जो करोड़ों रुपए की पर्चियां बरामद हुई हैं, इसमें 3 जूता कारोबारी रेड हुई है, और जो करोड़ों रुपए की पर्चियां बरामद हुई हैं, ये जो हिंकी मंडी बाजार है जूता कारोबारी, जहां पर पूरा जो है होलसेल का काम करते हैं, उन बाजार के कारोबारियों की पर्चियां बरामद हुई है। जब से पर्चियों की खबर बाहर आई है तब से आगरा के सबसे बड़ा जो व्यस्तम बाजार है, जो एशिया का बड़ा बाजार माना जाता है जूता कारोबारियों का, वहां सभी व्यापारियों में उथल-पुथल मची हुई है, क्योंकि आगरा में एक से एक बड़े जूता के कारोबारी है और उनकी ये पर्चियां अगर मिलती हैं तो आईटी को एक बड़ी कामयाबी मिलेगी, और जो आईटी की रेड है ये इसका आंकड़ा कई गुना बढ़ सकता है, जिसमें जो है ये कैश की बरामदगी हुई है। जी शहबा, बिल्कुल शकील, और बहुत बड़ा ये पूरा नेक्सस हो सकता है। बहरहाल अभी ये जानकारी मिल रही है कि फिलहाल रेड खत्म हो गई है, तो क्या कोई गिरफ्तारी भी यहां पर अमल में आई है, क्योंकि फिलहाल 3 कारोबारियों पर शिकंजा कसा गया है आईटी की तरफ से। जी बिल्कुल, 80 घंटे लगभग चलने वाली इस रेड में आईटी को तमाम जो है अहम जानकारी मिली है, और आईटी की जो टीम है लगभग 100 अधिकारी उस टीम में शामिल थे, जो लगातार एक साथ 12 से 14 ठिकानों पर छापेमारी कर रहे थे, सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। इस ऑपरेशन के दौरान आईटी की जो टीम है उनको बड़ी सफलता हासिल हुई है, तमाम करोड़ की जो है पर्चियां बरामद हुई है, वही 57 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। हालांकि अभी आईटी की टीम द्वारा कोई गिरफ्तारी की बात सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से सारा जीवन जीने वाले लोगों, मतलब जो कॉलोनी के लोग थे, वो भी इस बात से हैरत में थे कि इस घर के अंदर इतना बड़ा कैश मिला होगा, और यहाँ पर जब आईटी की रेड खत्म हो गई तो वैन के माध्यम से, जो वैन है बैंक की, उनके माध्यम से जो है कैश को ले जाया गया, इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी फ्लो में जो है कैश मिला है। इस बात को देखकर हर कोई हैरान है कि डंस परिवार और जो मंसूर सूट ट्रेडर्स हैं, उनके यहाँ से इतना बड़ा जो है कैश मिलने के बाद, बिल्कुल कहीं ना कहीं इसका पूरा असर शेयर मार्केट पर पड़ता हुआ भी नजर आएगा। शकील, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।